समुद्र आरे एबे पुरी कोणार्क बेलामार्ग आपण माने ये चित्र देखि पारु थिबे। आमे आज अछु बेलामार्ग रो इको रिट्रीट स्थान जेउठी सामुद्रिक ज्वार प्रभाव रे आपण माने देखि पारु थिबे ए जो बेलामार्ग किबुली भाबे ध्वस्त विध्वस्त होई जाइछि। बेलामार्ग को सुरक्षा देउथिबा सुरक्षा प्राचीर संपूर्ण रूपे 250 मीटर लंबरे उजुड़ी जाइछि। आपण मानको गोटे सूचना देबाक चाहे जे 1980 मसीह रे जेतेबेले एही बेलामार्ग निर्माण करा जाइथिला एहार सुरक्षा प्राचीर तयारी होइथिला एवं अतीत रे आमे देखिछु ये स्थान रे बालीबंत प्राकृतिक बालीबंत जे कि सुरक्षा देउथिला एही बेलामार्ग को सुरक्षा देउथिला ता सहित झाउ बण मध्ये एठी थिला। क्रमे झाऊ बणर अवक्षय एवं बालीबंत लुट जो आज एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि एभली भयंकर परिस्थिति सृष्टि होइछि। आपण माने चित्र ताजा चित्र देखि पारुथिबे गत काली जुआर समय रे ए सुरक्षा प्राचीर भांगी जाइथिला एवं एनएच विभाग पक्षरु जदिबा जुआर पानी को रोकिया पई बालीबस्ता पाइलिंग दिया जाइछि बाइल पाइलिंग करा जाय बालीबस्ता दिया जाइछि एवं बल्हा पाइलिंग मध्ये करा जाइछि। आपण मानकु से भयंकर चित्र मु देखियाकु चाहूछि जे दुईटी इलेक्ट्रिक खुंट किभलि भाबे भुसुडी जाइछि एवं विद्युत सरबराह विच्छिन्न गत काली विद्युत विभाग पक्षर मरामती कार्य कर सबुठ बड़ कथा हूँ यही जो आज जो परिस्थिति सृष्टि होई ये केवल प्राकृतिक प्राकृतिक विपर्यपाई नुहे ये हूँ गोटे मनुष्यकृत परिस्थिति। कारण यही जगह आपण मानक सूचना देवाई चाहे यही स्थान में विशाल विशाल बालीबंत प्राकृतिक बालीबंत जहाँ उपकूल को सुरक्षा देता है आज निश्चिन्न हो जाए जगह झाऊबण जे कि झाऊबण जो बालीबंत को सुरक्षा देता से निश्चिन्न रही एवं राति रे किभली भाव बाली माफिया एठाकर किसी असाधु सरकारी अधिकारी बाली लुट करते तार फलस्वरूप आज एभली भयंकर परिस्थिति सृष्टि होई आम सहित तो स्थानीय किसी बासिंदा अच्छा बुझा किभली ये परिस्थिति कहीं आज सृष्टि होई तो उपकूल क्षयर बहुत गुट कारण अच्छी से गोटे प्राकृतिक कारण है गोटे हाई टाइड तापर जो विंड आउ गोटे हूँ गोटे अंडर करंट जोटा को आम अंतस्रोत कहूँ विभिन्न कारण उपकूल क्षय होता है किंतु उपकूल क्षय होगा सहित पुणी से ही नेचुरल प्रोसेस रे समुद्र मध्य आणिकी पुणी से जगह बाली पोती थाए तेणु ये जो अंचल रामचंडी साहुकणता पर्यंत रामचंडी पर्यंत देखुं चंद्रभागा रामचंडी पर्यंत ये सबू बड़ बड़ बालीबंत थिला ये बालीबंत उपर वन विभाग पक्षर बारंबार एटी उपकूल सुरक्षापाई प्लांटेसन कर जो झाऊ गछ लगा जाइछि अन्यान्य गछ ये लगा जाइछि बारंबार गछ लगा जाइछि एवं गछ लगा जाइकरी एको सुरक्षा दिया जाइछि। एठी जो माने ईडीसी अछंती एठी स्थानीय ईडीसी अछंती करमंगार अन्यान्य गामर बाधीपुर रो ईडीसी रो जो सदस्य माने अछंती प्रति वर्ष से माने वृक्षरोपण करिछंती किंतु ये जो थिला वर्तमान या गोटे विराट बालीबंत थिला उभय पार्श्वरे ताकु विगत दिन रे जो वर्तमान चलछि कोणाक उन्नयन कार्य छतकिया रास्ता से जो अच्छा एनएच रो अच्छा स्थानीय अधिकारी और ठिकादार से मैंने मिलित तो सला सूतर एम सब बाली को से समय रे ट्रिप ट्रिप बाली शह शह ट्रिप बाली एम बोही खाली करुद्ध में स्थानीय अधिवासी तरफ जिलापा निकट अभोग कोणार्क थाना एफआईआर दिखाई किंतु संपूर्ण प्रशासन एरव कारण ये उपकूल अंचल जो बाली लुट होला से समस्ते मिलमिशी ए प्रकार मानवकृत गोटे विपत्ति को आह्वान करा फल आज एवं ये जो लघुचाप समय रे जो भयंकर हाईटाइड वर्तमान यही अवस्था सृष्टि करें जहाँ शुणुते केवल ये प्रकृति द्वारा ये ध्वंस ध्वंस आज है केवल मनुष्यकृत ध्वंसाभिमुखी जो जो बर्तमान जहाँ विपर्य देखुं ये केवल प्रकृति एपाई दायी नुए ये प्रशासन दायी कारण आम गत एप्रिल मसरे देखेलु ये चित्र देखेलु रात किभली भाव शह शह ट्रिप चोरा बाली चलाण होता ट्रिप ट्रिप बाली चलाण होता जंगल को नष्ट कर दि जाइला तेणु आज केवल आम प्रकृति दायी नुह ए जिला प्रशासन दायी एवं ये खबर प्रसारण पर जिला प्रशासन चेती नथिला एबे किंतु बड़ प्रश्न उठुची किभली भावे ए बेलामार्ग जी गोटे राज्य पर्यटन मानचित्र गोटे गुरुत्वपूर्ण अंचल कहले अत्युक्ति हम नहीं कारण पुरी कोणार्क भुवनेश्वर जो गोल्डन ट्रायंगल ताकु संजोग करथिबा रास्ता एबे ध्वंसाभिमुखी कारण ये रास्ता बर्तमान जो स्थिति उत्पन्न होती ये जो स्थिति उपजी ये स्थिति द्वारा निश्चित भाव आगामी दिन में ये बेलामार्ग जो समुद्र गर्भ में लीन हो न किए कह कौन कहे किभली अवस्था बर्तमान संपूर्ण भाव प्रशासनिक निरवता जो आज अवस्था सृष्टि
କାରଣ ବାଲିବନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ବାଲିବନ୍ତକୁ ଶହଶହ ଟି ବାଲି ବୁହାଇ ନେବା, ଗଛ କାଟିନେବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ ହେଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ, ବେଳାମାର୍ଗ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି, କେବଳ ବେଳାମାର୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ଇଏ ମଣିଷକୃତ ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳାମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ସୂତ୍ରରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ବେଳାଭୂମିର ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ।